है, सोशल मीडिया में आ रहा है, ये पूरा फेक है। कोई किडनैप गैंग से ऐसा आया नहीं, हैदराबाद में कोई ऐसा आदमी अभी तक आया नहीं। हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, पूरा पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जो अननेसरली रूमर्स क्रिएट करके बच्चे के औरत के मन में दिल में वो शक को बिठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग उसके ऊपर सख्ती से अच्छे ले लेंगे। हमने सिर्फ 3 आदमी इंजर्ड हो गए, वो 3 इनोसेंट है, वो ट्रांसजेंडर है, पैकिंग करने के लिए, बेकार करने के लिए आए। बोला को एक महबूब नगर का एक लोकल, अगर उसको कोई मर जाएगा तो, अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो हमने सिर्फ इनोसेंट को अच्छा था है, कोई छोड़ने वाले पूरा वीडियो है, वो नहीं मानना चाहिए। वो अपने सभी को गुजारिश कर रहा हूँ, ऐसा कोई किडनैप गैंग आया नहीं, ये पूरा फेक है। थोड़ा बाहर यहाँ तराबी प्रेयर्स ये देखने के लिए कुछ ऐसा मामला हो रहा है, वो अन्ना सिन्हा छत बैठा है, मुद्दे के ऊपर कुछ लोग जान पूछ कर वो स्प्रेड कर रहे हैं, वो करेक्ट नहीं है। वो अन्ना सिन्हा किसी को मारेगा तो अपने परेशानी होना चाहिए, बाद में हम देखेंगे। कोई ऐसा जांच नहीं है, पूरा अभी तक तो पूरा झूठा फेक, ये जो सोशल मीडिया आ रहा है पूरा फेक है, आप निश्चिंत जा सकता है। सोशल मीडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऐसा कोई आदमी पकड़ा गया अभी तक, पूरा अन्ना सरली इनोसेंट में नाम है, वो करेक्ट नहीं है। चलो भाई बैठो, तुम इसी बैठो, इसी बैठो। और हमको बच्चों का किडनैप करने के एक 8-10 सदियाँ आके उन पर हमला किया। लोगों ने कहा कि इब्तदा में 8-10 सदियाँ थे, बाद में बढ़ के 2400 का हो गया। बहुत बुरी तरीके से मारे उनको, और झगड़े को रुकाने के रास्ते कारपेंटर पाँच दिन अफजाद आए तो उन पर भी अटैक कर दिए, और इंस्पेक्टर कंचन बाग आए तो उन पर भी हमला कर दिए, उनको भी जख्मी किए। फहद से अपनी अफजाद कारपेंटर भी जख्मी हुए, और चंद्रपुटा पी एस के कारगर 2 कॉन्स्टेबल जो इंस्पेक्टर को बचाने थे उनको भी जख्मी किया गया। बहरहाल हालात अचानक ही बेकाबू हो गए कि हमलावर जो इंस्पेक्टर ने भी हमला किए, कारपेंटर भी किए, कारपेंटर को भी किए, और जो बीच में मदाकदत कर रहे हैं उन पर हमला कर रहे थे, और वह 3 आदमियों को बहुत बुरी तरीके से जख्मी करे जो उस्मानिया हॉस्पिटल में सीरियस है। लेकिन ये वाकई के अफवाह बना, ये वाकई के ऊपर और अफवाहें गश कर रही है शहर के दीगर मुकाम पर नहीं। अभी मेरे को जनरल साहब पी एस में मीडिया वाले बता रहे कि वहाँ ऐसा अफवाह, वहाँ की इतला क्या है, ऐसी इतला कहीं की कोई इतला नहीं है, सब सुकून है। ये अफवाहों पे कान मत देंगे, जो वाक़ हुआ इंतहाई बदबख्ताना वाक़ है, इसकी मजम्मत कर लें, और कौन लोग हैं क्या है उनका पता लगाने के वास्ते पुलिस पूरी हरकत में आ गई है, और उस पर एक्शन पुलिस लेंगी। मासूम बेगुनाह लोगों को जो भीख मांग रहे रमजान में, उनको सुबह की बुनियाद पर मारना, उनको जख्मी करना, ये गलत काम है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, इंसानियत की बुनियाद पर अगर कोई ऐसा वाकया किसी के इल्म में है तो मुतालिका पुलिस को इत्तला करे, और इत्तला करके उसके ऊपर कार्रवाई कराए। लेकिन ये हर कोई ये इस वक्त पुलिस का रोल, पुलिस भी सरदार की कार्रवाई नहीं करती, लेकिन शक की बुनियाद पर कि इसको मारना गलत है, मजम्मत करते हैं, मजीद तहकीकात जारी है इसके लिए। ये तवक्को है कि 2 रोज़ के अंदर पुलिस उन सरगनों का पता लगा लेगी जो ये हरकत करे हैं। बाद लोग जो है निशा जी वो बता रहे थे कि हम खुद लोगों के मुंह पे ढाटे थे, कुछ लोग बड़े बगैर ढाटे थे, प्राइवेट लोगों ने मोबाइल फोन से वीडियो लिए, वो वीडियो की बुनियाद पर उसकी तहकीकात होंगी। और तवक्को है आपके चैनल के जरिए मैं आवाम से अपील करता हूँ कि ऐसे अफवाहों पर कान मत देंगे, अमन को बरकरार रखिए। कहीं भी ऐसी नाकहानी सूरत हाल आपको पेश आए तो आप पुलिस को इत्तला दीजिए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, और ये वाकया जो हुआ है इसकी हम मजम्मत करते हैं। सभी से मिलकर इसमें इकदाम कतर व कतल के केस में FIR किया जा रहा है, जो भी शर पसंद है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस इत्तला की बुनियाद पर नकीब मिलत पैरसुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट ने जनरल गुट्टे के कारपेंटर के साथ मुझे यहाँ पर रवाना किया, पूरे दवाखाने को जाके अफजाद साहब को देख रहा हूँ, चंद्रगढ़ साहब केस में क्या एरिया में भी दौरा कर रहा हूँ। आपके जरिए फिर एक मरतबा आवाम से अपील करता हूँ कि अमन को बरकरार रखिए, और पूरा मन रहिए, सुकून से रहिए, अफवाह पे कान मत देंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। भाई आगे आगे चलो।
कोई परेशानी की बात नहीं है, अगर नीचे नको बनाना।